बेबी बाजी ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। मासफ अपनी माँ से कहता है, आप क्यों रो रही हैं? आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा क्या होगा? मेरी हिम्मत तो उनके साथ ही चली गई थी। नहीं अम्मी, आप ऐसी बातें ना करें, हम लोग हैं ना आपके साथ। मासफ को इस बात का अंदाजा नहीं कि बेबी बाजी को उनके शोहर अच्छी तरह से ये बात समझा कर गए हैं कि वो मासफ और जमाल के दरमियान पैदा होने वाली नफरत को कम करने की कोशिश करें। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने बेटे को कैसे मुतहद रखती हैं। ये बात तो वो जानती ही है कि अजरा किसी सूरत पर वासफ और फरहत को इस घर में खुश नहीं रहने देगी। इसी बात को सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान है कि वो अपने बेटे को इस बात के लिए कैसे रजामंद करवाएं कि वो कभी भी इस घर का बंटवारा नहीं चाहती। लेकिन अजरा हर मुमकिन कोशिश करके घर और दुकान का बंटवारा करके अपना हिस्सा मांग रही है। इधर फरहत अस्मा से कहती है, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों है आप? अस्मा कहती है, कुछ बोलने को है ही नहीं। अस्मा भाभी, मुझे तो यही लगता है कि आपके पास बोलने को बहुत कुछ है लेकिन आप बोलना नहीं चाहती। क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? मुझे किसी ने क्या कहना है फरहत? अस्मा भाभी, आप ही तो मुझे समझाती थी कि मैं अजरा भाभी की बातों को इग्नोर किया करूं, क्योंकि वो फसाद डालने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।